गुड इवनिंग सभी को। मेरा नाम शमशुम चांगमी है और मैं ईस्टर्न टुडे न्यूज़ का CEO हूँ। तो आज मैं ईस्टर्न टुडे न्यूज़ का स्टूडियो से आप लोगों को एक ही बात और अपील करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ कि कुछ दिनों पहले से हमारा जो ईस्टर्न टुडे न्यूज़ का फेसबुक जो पेज है उसका ऊपर बहुत सारा अटैक हुआ है। मेरा ख्याल से प्रोफेशनल्स हैकर्स है जो हमें काफ़ी दिन से परेशान कर रहा था। तो इसी चलते हम लोगों ने बहुत सारा एडवाइजर्स भी ली जो IT रिलेटेड जो भी एक्सपर्टीज़ है उन लोगों से। फिर भी फेसबुक का तो एक अपना ही एक प्लेटफॉर्म है, उसका एक अपना ही एक एल्गोरिथम है जो हम लोगों का समझ से बाहर है। तो इसे चलते कल जो कि 3 दिसंबर को हमारा जो फेसबुक पेज था ईस्टर्न टुडे न्यूज़ का जो ऑफिशियल पेज था वो कम्प्लीटली हैक हो चुका। तो इससे चलते क्या हो गया कि हम जो एक एडमिन था उसका बाद में मेरा एडिटर था, एडवर्टाइज़र था, जो पेज का जो रोल था, पेज को जो चलाता है, तो हम तीनों को ही रिमूव कर दिया। तो मैंने एक सरल भाषा में बोलने से ऐसा है कि अभी वो पेज को हम कंट्रोल नहीं करते। अभी वो पेज जो ईस्टर्न टुडे न्यूज़ ग्रुप का कोई एम्प्लॉय CEO या फिर एडिटर या फिर कोई भी रिपोर्टर अभी उसको कंट्रोल नहीं करता है, वो कोई अननोन एनोनिमस पर्सन का हाथ में लग गया है। तो एक कंसर्न है और आज का दिन में साइबर क्राइम भी बहुत बढ़ता है। तो इसी चलते एक मैसेज ये ही मैं बताना चाहता हूँ कि ईस्टर्न टुडे न्यूज़ का जो प्लेटफॉर्म है, उसका जो चैनल है, वो जो एक डिजिटल मीडिया है, उसको लेके कोई मिसयूज़ ना करे। हाँ, वो उसको कोई इल इंटेंशन के लिए, किसी को टारगेट करने के लिए, किसी का पर्सनल ग्रज को निकालने के लिए वो पेज को यूटिलाइज भी कर सकता है। उसी को आप लोगों को मैं वार्निंग देने के लिए आज मैं ये अपना ईस्टर्न टुडे न्यूज़ का स्टूडियो से मैं आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि आप लोग काइंडली वो पेज जो पुराना पेज था उसको काइंडली आप लोग अनफॉलो कीजिए, अनलाइक कीजिए ना, ताकि मिसयूज़ ना हो सके। नहीं तो आज का दिन में बहुत सारा साइबर क्राइम्स होता है, किसी का ऊपर में कुछ अनाप शनाप डेरोगेटरी वर्ड्स भी लिख सकते हैं, तो वहाँ से ये कम्युनल राइट्स हो सकता है या फिर माने एक अनहोनी हो सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए आप लोग काइंडली देयर व्यूअर्स, देयर फॉलोअर्स ऑफ ईस्टर्न टुडे न्यूज़, आप लोग काइंडली उसको अनफॉलो कर दीजिए ताकि ऐसा मिसयूज़ ना हो। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ईस्टर्न टुडे न्यूज़ जो 6 महीना हुआ है, ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं है, 6 महीना सिर्फ हुआ है, लेकिन उसमें ऑलमोस्ट 10,000+ फॉलोअर्स हो चुका था और उसमें 93 वीडियोस तो ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड कर चुका था। फिर भी आज ये हालत हुआ कि उसमें जो अनवांटेड एलिमेंट्स या फिर जो साइबर क्राइम्स क्रिमिनल्स है, उन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज के ऊपर अटैक किया और कम्प्लीटली उसको टेक ओवर कर लिया। तो अभी वो ये ईस्टर्न टुडे न्यूज़ पेज जो है, फेसबुक का जो पेज है, वो अभी मेरा कंट्रोल में नहीं रहा अभी। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार यही मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग काइंडली उसको अनफॉलो कीजिए, उसका बाद ये उसको आप लोग सकने से रिपोर्ट भी कीजिए ना, रिपोर्ट कीजिए कि वो बैन हो जाए। जो भी वो लोग का जो स्कीम है, वो लोग जो क्या प्लानिंग कर रहा है वो पेज को यूज़ करने का, वो सफल ना हो, इसके लिए आप लोग भी काइंडली मदद कीजिए और उसको काइंडली रिपोर्ट कीजिए। इसी चलते हम लोगों ने FIR भी डाल चुका है हम लोगों ने खरसांग पुलिस स्टेशन में। तो मेरा ख्याल से जो भी लीगल इन्वेस्टिगेशन होना है वो तो चलते रहेगा। फिर भी हम लोगों का जो ड्यूटी है, जो ऑब्जेक्टिव था ईस्टर्न टुडे न्यूज़ प्लेटफॉर्म को ये बनाने का,
तो वो तो जारी रहेगा और हम लोग कुछ ही दिन में या फिर कल तक एक नया हम लोग पेज भी खोला जाएगा। तो आप लोगों से फिर यही विनती है, जैसे आप लोगों ने पहले जैसा प्यार किया था वैसे ही फिर हम लोगों को जो प्यार है उसको फिर हम लोगों को दीजिए, वो पेज को और वो जो हम लोगों का जो ऑफिशियल पेज होगा उसको फॉलो करके। धन्यवाद।